प्रियजन नगरी मनाली में 2 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। ऐसे में पुलिस ने मनाली में करीब 700 लोगों से पूछताछ की है और 84 लोगों के ब्लड सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। अब पुलिस संदिग्ध लोगों के ब्लड सैंपल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस केस में अभी तक जो हमारा स्पॉट है जहाँ पे ये क्राइम हुआ था और उसके जो सराउंडिंग एरिया है, जो भी प्रोबेबल एरियाज़ हैं, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं। इसके अलावा हमारे 84 सस्पेक्ट्स के सैंपल्स हमने फॉर इन्वेस्टिगेशन हमने कलेक्ट किए हैं और भेजे गए हैं, और इसमें जाँच अभी जारी है। पूछताछ देखिए, उस एरिया की अप्रॉक्सीमेटली 650 से 700 लोगों के बीच में इस इंसिडेंट के बारे में पूछताछ की गई है, और अभी आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।